आज दिनांक 3 अगस्त 2019 को एक मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सफीदों में मनीष मुआना हल्का उपाध्यक्ष सफीदों की अध्यक्षता में रखी गई। इस मीटिंग में वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश के सीनियर उपाध्यक्ष श्री अनिल बड़गुजर जी व प्रदेश सचिव श्री राज सिंह हल्दाना आदि कई व्यक्तियों ने शिरकत की। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा पार्टी ने जो पूरे प्रदेश में एक मुहिम कोई सताए हमें बताए चलाई हुई है, उस मुहिम के तहत इस मीटिंग में बहुत सारे लोग समस्या लेकर आए। मुख्य समस्या सूरजभान गांव सहारनपुर में रखी, जिसकी शिकायत में उसने बताया था कि मेरे बेटे की हत्या गांव के कुछ दबंग लोगों ने कर दी थी और उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हमारे पास एक ये मामला अभी आया है, जस्ट ये भाई साहब बैठे हुए हैं सहारनपुर से, ये आया हुआ है। इनके बेटे को गाँव के कुछ दबंग लोगों ने कहते हैं कि मार दिया था और मारने के बाद अब उस पर एट्रोसिटी एक्ट का और 302 का मुकदमा दर्ज है। इनका कहना ये है कि आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम पार्टी की तरफ से ऐसे ही सभी लोग जो आते हैं, क्योंकि हमारा केंद्र में अगर मंत्री है तो सरकार हमारी है, तो जब सरकार हमारी है तो कोई भी अगर कोई समस्या है किसी की, अगर जेन्युइन समस्या है तो उसको दूर करने का काम भी हमारी पार्टी करती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के सीनियर उपाध्यक्ष अनिल बड़गुजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिपब्लिकन पार्टी ने एक मुहिम चलाई है कोई सताए हमें बताएं, इसके माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं और हमारी सदस्यता भी चली हुई है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो आज हमने मीटिंग बुलाई है, ये हमारी हमने एक मुहिम छेड़ी है कोई सताए हमें बताएं, इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हमारी सदस्यता भी चली हुई है, लोगों को पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। सदस्यता अभियान की बात करते हुए अनिल बड़गुजर ने बताया कि अभी तक हमारे 16,200 सदस्य बन चुके हैं और गांव-गांव जाकर हम अपनी पार्टी की नीतियां बताते हैं और पार्टी में सदस्यता जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 200 से 250 गांव कर चुके हैं और लाखों का हमारा टारगेट है। अभी तक हमारे 16,200 सदस्य तो बन चुके हैं और आगे बन ही रहे हैं, धीरे धीरे हम गांव-गांव में जाके लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है जो इसका 1956 में गठन हुआ था, बाबा साहब ने इसका 1956 में गठन किया था, उसके बारे में बता रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी के साथ। कितने गांव अभी तक कर गांव 200-250 से ऊपर गांव कर चुके हैं हम तो पूरे हरियाणा में, हमारा तो टारगेट तो लाखों का है, जितने भी हरियाणा में सभी हमारे साथ जुड़े पार्टी के साथ और पार्टी के विचारधारा के साथ भी जुड़े। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कहने के लिए SCBC की पार्टी बताई जाती है, लेकिन हम सर्व जाति को साथ लेकर चलते हैं। हमारा युवा अध्यक्ष मनोज शर्मा जाति से आता है और हमारी पार्टी ने पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। ये सर्व समाज का है, ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, इसमें सर्व समाज है, सबको हम साथ जोड़े, जो अपने गरीब है गरीबों के साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है आपकी पार्टी SCBC की पार्टी, ज्यादा फोकस है? नहीं नहीं, वो कहने के लिए SCBC की पार्टी है, पर हम काम तो सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, अभी पीछे भी शरणों के लिए लड़ते रहे, भाई 10% इनको भी आरक्षण दिया जाए क्योंकि इनमें भी गरीब हैं, जो सभी तो अमीर नहीं है ना, तो हम सर्व समाज के ही साथ काम कर रहे हैं। स्वर्ण जाति की आपकी पार्टी? हाँ, काफ़ी जुड़े हुए हैं, हमारा युवा अध्यक्ष ही स्वर्ण जाति का है। हाँ जी, मनोज जी ये करनाल से है, अपना गोंदर गाँव में। चुनावी एजेंडे बताते हुए अनिल बड़गुजर ने कहा कि मुफ्त लड़कियों को शिक्षा और मुफ्त दवाइयां मिले और सभी का इलाज फ्री हो, जैसा कि विदेशों में भी होता आ रहा है। एजेंडे तो हमारा, पहले तो हमारा ये कि भाई जो हमारी जो हरियाणा प्रदेश में अगर पार्टी में चुनाव जीतती है, 2 सीटों पर जीतती है, हमारा फोकस तो ये रहेगा कि तो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाए उनको जो भी है, और दूसरा हमारा फोकस ये भी रहेगा सभी को। अभी कह तो देते हैं भाई 5 लाख रुपये तक दवाइयाँ फ्री हैं, पर मिल नहीं पाती लोगों को। हमारा फोकस दवाइयों को भी लेके है कि भाई सबको इलाज फ्री हो उनका, बिल्कुल जो हमारा दूसरे जगह भी है देशों में है वैसा ही हमारा बाबा साहब के संविधान में तो लिखा हुआ, अभी सबको दवाइयाँ फ्री दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील गहलावत ने पार्टी की मुहिम कोई सताए हमें बताए के बारे में कहा, जिस भी व्यक्ति को कोई समस्या हो इस मुहिम के दौरान हम उनकी मदद करते हैं, हमने गांव में जाकर देखा, विशेषकर गली की समस्या और प्लॉटों की समस्या लोग हमारे पास लेकर आते हैं। आज तक गरीबों को प्लॉटों पर कब्जा नहीं मिला है और पूरी इंडिया में हमारा कार्यक्रम यह मुहिम चली हुई है। आइए सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। हमने जो सदस्यता अभियान छेड़ रखा है कोई सताए
हमें बताए, हमारी पार्टी ने ये पूरे भारतवर्ष में छेड़ रखा है, तो बहुत सारे लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। जिस भी व्यक्ति को कोई भी समस्या, जन समस्या कैसी भी हो, जो हम पूरा कर पाएँ, लेकिन वो जेन्युइन समस्या हो, वो सही हो। बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आते हैं जो समस्या है ही नहीं, वो एक दूसरे के नीचा दिखाने के लिए करते हैं, और उनके लिए नहीं, जो विशेषकर जन समस्याएँ, जैसे किसी को गली की समस्या है, किसी को राशन कार्डों को लेकर समस्या है। विशेष एक समस्या हरियाणा में देखने को मिली, क्योंकि हमारी पार्टी के ऊपर एक लोगों ने छाप छोड़ रखी है कि ये एससी या बीसी कम्युनिटी की है, तो विशेषकर वो गरीब लोग हमारे पास आते हैं। हम जैसे टिडवाड़ा गाँव में गए, प्रोग्राम हुआ हमारा, यहाँ से फिदों में जाता है, तो वहाँ पर प्लाट कटे हुए हैं 100-100 गज के, उन पर आज तक कब्जा नहीं मिला है हम लोगों को, तो वो एक सार्वजनिक समस्या है, उसको हम उठाने का काम कर रहे हैं, और जल्द ही इनको कब्जा दिलवा दिया जाएगा। अपने माननीय मंत्री जीओं से, मुख्यमंत्री जीओं से उसके लिए लिख के दे रखे हैं। तो ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चला हुआ? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में चला हुआ, हरियाणा में हम चला रहे हैं क्योंकि हम हरियाणा के पदाधिकारी हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में चला हुआ है, हमारे मंत्री जीओं के आदेश हैं कि कोई भी हो, उसको कोई भी समस्या है किसी प्रकार से, तो हम उसके पास खड़े हैं। कंचन टीवी के लिए सफीदों से कैमरा सहयोगी धर्मवीर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट।